भाषा एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से हमीरपुर के हिम अकेडमी विद्यालय में सांस्कृतिक सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन समारोह में हमीरपुर जिला के केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड से जुड़े विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। भाषा एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से हमीरपुर के हिम अकेडमी विद्यालय में संस्कृत सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन समारोह में हमीरपुर जिला के केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड से जुड़े विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। समारोह में बच्चों ने संस्कृत भाषा में लघु नाटिका, समूह गान, नृत्य, वाद विवाद आदि कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी तथा संस्कृत प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला भाषा अधिकारी निकू राम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए तथा संस्थान के चेयरमैन प्रोफेसर आर सी लखनपाल इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला भाषा अधिकारी निकू राम ने कहा कि इस कार्यक्रम में बच्चों ने संस्कृत में बहुत सी प्रस्तुतियां दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को संदेश देना है कि संस्कृत रुचिकर भाषा है तथा लोग जो इसके बारे में सोचते हैं कि संस्कृत एक कठिन भाषा है, ये केवल कर्मकांड और पंडित की भाषा है, इस भ्रांति को दूर करना है। संस्कृत दिवस का कार्यक्रम आज यहाँ चल रहा है और बच्चों के द्वारा जो भी यहाँ पर प्रतियोगिताएं की जा रही है, बहुत ही सुंदर प्रतियोगिताएं हैं। और सबसे पहले जो यहाँ पर संस्कृत प्रदर्शनी का इन्होंने जो आयोजन किया है, बहुत ही अद्भुत आयोजन था, जिसमें कि छात्रों के द्वारा संस्कृत के माध्यम से जो है वो यहाँ पर प्रदर्शनी को उन्होंने समझाया कि ये क्या है और उसका संस्कृत में बकायदा उन्होंने अनुवाद करके बताया है। और उसके बाद संस्कृत जो अंदर चला हुआ है, संस्कृत दिवस कार्यक्रम, उसको लेकर के बच्चों की जो प्रतियोगिताएं हैं बहुत ही अद्भुत है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो छात्रों में संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न हो और जो ऐसी समाज में अवधारणा है कि संस्कृत जो वो एक कठिन भाषा है या संस्कृत जो वो केवल एक कर्मकांड की भाषा है या पंडित की भाषा है, ऐसा नहीं है, उसको वहाँ से ला करके समाज के प्रत्येक जन तक पहुँचाने के लिए जो है वो इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और छात्रों में इसके प्रति, संस्कृत भाषा के प्रति रुचि हो, इसके लिए जो वो कार्यक्रम किया जा रहा है।